जगह तो यही बताई थी, कचरे का डिब्बा भी आया, बदबू भी आ रही है, लेकिन ये नहीं आई अभी तक। आज तो बनिया की बेटी से सेटिंग करके ही रहूंगा, खुद मिलने बुलाया भाई। ओहो, ये भी लगता है किसी से मिलने के लिए आई हुई है। आज मेरी तरह किसी और नौजवान की किस्मत भी खुलने वाली है। मेरी वाली नहीं आई। ये कहाँ चले गए? हाय! पहाड़ के ऊपर ऐश है। अबे योर टाइम है थारे आने का। मैडम मुझे आपको कुछ बताना है, मैडम बहुत जरूरी बताना है। नहीं हमें नहीं करनी तुमसे बात। मैडम मैडम मार दिया, मार दिया मैडम, मार दिया। क्या सचिन ने चौका मार दिया, धोनी ने छक्का मार दिया? मैडम लड़की को आंख मार दी। मैडम लड़की को मार दिया उसने, उसे मार दिया। मैडम लड़की को ना धक्का दे दिया खाई में और उसके बाद मर गई वो। किसने? तैने, तैने, तैने? नहीं नहीं मैंने नहीं मारा मैडम, मैंने नहीं मारा, मैंने देखा। मैडम कल रात को ना मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि ना एक लड़की खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी, तभी एक लड़का आया और जैसे ही वो लड़का आया ना तो बैकग्राउंड में गाना बजा पीछे से। एक हसीना थी एक दीवाना था, कर्ज फिल्म का गाना मैडम। वो कर्ज पिक्चर नहीं आई थी, उसमें ऋषि कपूर, सिमी गरेवाल। अबे चल ना आगे बोल ना। मैडम वो गाना बजा, उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग गए मैडम। उसके बाद में मैडम वो लड़के ने लड़की को खाई में ऐसा धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गई मैडम, वो मर गई। कौन? लड़की मैडम। अबे लड़की नहीं रे, कौन था जिसने धक्का दिया? वो मैं उसको पहचानता हूँ मैडम, मैं उसको पहचानता हूँ मैडम। कौन है बता? वो मैडम वो है। अबे वो कौन? वो है मैडम, वो भोजपुरी की फिल्मों का मैडम फ्लॉप हीरो है, वो है मैडम वो। बता मैंने उसका नाम बता, भी अरेस्ट करके लाती हूँ। हाँ उसका नाम मैडम लपड़ खेच के मारूंगा। अबे क्यों मारेगा लपड़ पे, हमने क्या किया? और अगर हमने कुछ किया भी है तो तेरी हिम्मत कैसे भी हमसे इसे बातें करने की है? लपड़ खेच के मारूंगा। अबे मछुआरा उसकी हिम्मत कैसे हुई, सीनियर अफसर से ऐसे बात करते क्या खुलेआम? हैं सर इस वक्त वो भूला हुआ है सर। कानून मेट ना, मैं हमारी शक्ल क्या देख रहा हूँ मेट? ओ सॉरी सर सॉरी। लपड़ खींच के मारूंगा। अरे कोई असर ही नहीं हो रहा है मैडम। हम करते नो प्रॉब्लम। लपड़ खींच के मारूंगा। बिल्लू अबे इस पे असर क्यों नहीं हो रहा? Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. अबे चल ना कर ना, निकाल अपनी कसर।
चप्पर छेड़ी मारूंगा। बैठ जा मोमेंट प्लीज। चप्पर छेड़ के मारूंगा। अरे यार इस पे कोई असर क्यों ना हो रहा है, इसकी याददाश्त क्यों ना आ रही? मारा रैप्टर खा के तो अच्छे अच्छों की वापिस आ जा भूला। अरे यार एक काम करो, तुम लोग जरा पता लगाओ, फाइंड आउट करो ये कल शाम कहाँ गया था। हाँ। और उसके आसपास कोई खाई है कि नहीं और कोई वारदात हुई है नहीं, इन्वेस्टिगेट करो। और जरा डॉक्टर को बुलाओ भैया, बोलो उसका स्टॉप बटन खराब हो गया। स्टॉप बटन खराब हो गया, कहीं सबके सामने हमारी इंसल्ट कर दी तो इज्जत ना रहेगी ना हमारी। पर खींच के मारूंगा। कर ली इंसल्ट सर छोटे, हम सच कह रहा हूँ। गोली चली नथुनिया पे, हीरो छागवा दुनिया पे। हम चारों तरफ देखा था, वहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा ही सन्नाटा था, कोई नहीं था, तभी तो हम ये कांड कर डाला। अरे हमको तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कोई हमको देख लिया है। सर चोटी कह रहे हैं कि तुम इतने बड़े गधे हो गए, ये इन्होंने सोचा नहीं था। नेटवर्क में लोचा है, तुमने कभी सोचा है? सर चोटी कह रहे हैं कि जब तक ये मामला अमिया से आंवला नहीं हो जाता तुम गायब रहोगे। सर चोटी हमने पता लगा लिया है कि वो कौन है जिसने इसे ये कांड करते हुए देख लिया है। नेटवर्क में लोचा है, तुमने कभी सोचा है? देखे, 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 देखे। सर फिर से बजाइए। नाम 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 नाम। सर चोटी उसका नाम बिल्लू है और वो एक पुलिस वाला है। अरे सर इतना गुस्सा मत होइए। हाँ बस आदेश कीजिए कि हमें करना क्या है। नेटवर्क में लोचा है, तुमने कभी सोचा है? सर आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया। समझिए आपका काम हो गया, उस बिल्लू को तो हम ऊपर पहुंचा के रहेंगे। नेटवर्क में लोचा है, तुमने कभी सोचा है? जो कुछ खा रहा हूँ ना सब कड़वा लग रहा है मुझे। जैसे मैडम कल रात को मैंने वो उड़द की दाल की कचौड़ी खाई थी और साथ में प्याज की कचौड़ी भी खाई थी, दोनों मुझे एकदम कड़वी लगी। मैडम आज सुबह समोसे के साथ पोहा खाया था, वो भी मुझे कड़वा लगा। मैडम इतना की मतलब जलेबी, मैडम जलेबी खाता हूँ वो भी कड़वी लगती है। क्या पूछ रही हूँ तू, क्या जवाब दे रहा? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम आपने ही मुझसे पूछा कि टेस्ट का क्या हुआ, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा टेस्ट कुछ बिगड़ सा गया है, शायद मुंह में छाले हो गए ना उस वजह से हुआ होगा। चुप रहा कर, टेस्ट बोला है मैंने ना कि टेस्ट। टेस्ट का क्या हुआ, जो बिल्लू की याददाश्त चली गई डॉक्टर का टेस्ट करवाया था उसकी की रिपोर्ट आई। ओ टेस्ट के बारे में पूछ रही हैं आप, तो यू हैव अ प्रॉब्लम विद माय एक्सेंट? नहीं नहीं मैडम मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं वो मैडम डॉक्टर साहब आए थे, वो टेस्ट कर रहे हैं। है कहाँ बिल्लू? बिल्लू वो अपने घर पर है, गोपी भी वहीं पर गया हुआ है। गोपी ने क्या अपना नाभा डिस्ट्रिक्ट यहाँ लेकर आए, जरा काम करे यहाँ चौकी में आके, और बिल्लू को भी लेकर आए। उसकी याददाश्त किसी भी क्षण आ सकती है, तब पता लगेगा कौन था वो खूनी। नाम बताते बताते ही बिल्कुल ही हो गया उसका। मैडम लेकिन हमने पूरी छानबीन की मैडम, उस खाई की मैडम, पूरी खाई ढूंढी मैडम, वहां पर कोई लड़की तो क्या आंटी तक नहीं मिली। हुआ तो है कुछ ना कुछ कारण, आई एम श्योर। आइए आइए। चलो एनीवे फोन लगाओ जरा। एक्सक्यूज मी मैडम, महिला नेपालन है। तो तू क्या चाह रहा है, बंगालन हो जाए गुजरातन हो जाए महिला थारी? नहीं नहीं मैडम आप समझे नहीं, महिला नेपालन है ये मेरा तकिया कलाम है और आप सबको मेरा सलाम है। ये नॉट सो भद्र महिला को आप कहाँ लेके घूम रहे? मैडम मैं सीधा हूँ और हमारी मैडम टेढ़ी है। अरे नहीं भाई साहब आप बिल्कुल समझे नहीं,
मेरा नाम है सीधा सीधा शर्मा, महिला नेपालन है। ये। नमस्ते मैडम, मैं हूँ अनीता, सिस्टर ऑफ वनीता। इस समय अनीता बोल रही हूँ। इस समय अनीता बोल रही हूँ, और बाकी समय कौन बोलता अंदर से है? रीटा, गीता, सीता या मंजू? अरे मैडम आप समझी नहीं, इस समय अनीता बोल रही हूँ, ये मेरा तकिया कलाम है। बाकी मेरा नाम है अनीता शर्मा, पड़ोसी है हांगकांग वर्मा। बाकी मैं पत्नी हूँ, इस समय अनीता बोल रही हूँ। इसकी पत्नी है आप, सीधा शर्मा की या हांगकांग वर्मा की? अरे क्या बात करे भाई साहब, अरे बिल्कुल सीधा शर्मा की पत्नी है, मेरी पत्नी है ये, मैं महिला नेपालन है। मैडम हम लोग यहाँ पे FIR लिखवाने आए हैं। क्या हो गया, किसने आपको और इन झुमकों की दुकान को जो है परेशान करा है? परेशान किसी ने ना करो मैडम, बस वो क्या है कि हमारी भतीजी गायब हो गई है, तो हमने कहा चल के पहले FIR लिखवा आए। इस समय अनीता बोल रही हूँ। भाग गई होगी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, बिल्कुल गलत नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैडम मेरी भतीजी है ना, वो बिल्कुल सीधी है, परसों रात को निकली थी कह के सहेली की वहाँ पे जा रही हूँ, अब तक नहीं लौटी है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे आए। ये देखिए मैडम, ये है उसका फोटो, महिला नेपालन है। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ पता लगता है आपने इत्तला करेंगे। ओके इनकी भतीजी परसों से गायब। परसों से? और बिल्लू ने वो कांड भी परसों रात को देखा था। परसों? कहीं ऐसा तो ना है कि वो खाई से धकेली गई छोरी और इनकी छोरी सेम टू सेम है। Well, बिल्लू मेरे भाई इज़दा, तू क्यों चुप है भाई इज़दा? लपड़ खेंच के मारूंगा। हाँ तो मार ले यार बिल्लू, तू लपड़ मार ले यार, खेंच के मार ले लपड़, लेकिन ठीक हो जाए यार मेरे दोस्त, प्लीज ठीक हो जाए यार। हाँ बिल्लू, भूला पूछा है आज के बाद हमसे जो कहना है कह दे, हम बुरा ना मानेंगे। यस, बस तू ठीक हो जाए यार। लपड़ खेंच के मारूंगा। अबे दिल में रख के तेरे को है यार। सर अभी तो आपने कहा सर आप बुरा नहीं मानेंगे। कैसे? हाँ है हाँ, लपड़ खेंच के मारूंगा। अबे दिल में रख के सर छोड़िए ना सर। सर है? क्या कर रहे जरा? हमने कहा था ऐसे कुछ? हाँ कहा था सर। छोड़ो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे आपने कहा। तो जबान देती हूँ देती, बुरा ना मानेंगे, लेकिन फिर से ना कहना भाई हमें लपड़ अपड़ कुछ भी। देख बिल्लू जेंटलमैन भी कह रहा है कि ठीक हो जा प्लीज, ठीक हो जा बे, बुरा नहीं मानेंगे। अबे गोपी वे, डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर कहाँ है? Well, वो है ऑफ द वे इज द, अप्रैल के बाद आता है मे इज द। लपड़ खेंच के मारूंगा। लू यार आ गया। कौन आ गया? हलवा वाला आ गया? हलवा वाला नहीं, मैं आ गया, मैं हूँ, डॉगी फेमस हो गया भाऊ। तो हमने कब कहा कि तुम नहीं हो? वैसे तुम हो कौन? Well, who the you the are is the, हम डॉक्टर का कर रहे हैं इंतजार is the है। तो दादाजी आपका इंतजार खत्म हो गया क्योंकि मैं आ गया हूँ, मैं हूँ डॉक्टर, मैं मध्य प्रदेश। ओ ये तो डॉक्टर पहनते हैं, करेक्ट, आप डॉक्टर हैं। लपड़ खेंच के मारूंगा। अरे क्यों मारोगे, लपड़ है। एक मिनट डॉक्टर साहब, आपने अपना नाम क्या बताया? है। डॉक्टर मैं मध्य प्रदेश, ये कैसे नाम हुआ बे? अरे इसमें क्या है, मेरे डैडी का नाम तू उत्तर प्रदेश, माँ का नाम आप असम, भाई का नाम वो बिहार, और बहन का नाम ये झारखंड। ए डॉगी फेमस हो गया भाऊ। ये बताइए कि मरीज कौन है, आप है? अबे हम तुझे मरीज दिखते क्या बे डॉक्टर? अरे उसमें क्या है, लपड़ खेंच के मारो। अरे क्यों मारोगे तुम लपड़? देखिए आप लोग जल्दी बताइए कि मरीज कौन है, क्योंकि मैं बहुत अस्त व्यस्त डॉक्टर हूँ, डॉगी फेमस हो गया भाऊ। Well, ये है मरीज, इसका नाम है बिल्लू इज़्ज़ा, मेरी सास मुझे कहती है पिल्लू इज़्ज़ा। दादाजी बिल्कुल सही कहती है आपकी सास, मुझे हो रहा है एहसास कि इसे सदमा लगा है कोई खास, इसलिए बार बार लपड़ मारने की कर रहा है बकवास। बाकी डॉगी फेमस हो गया भाऊ। डॉक्टर साहब हम बता दे क्या हुआ इसके साथ।
अच्छा, यानी कि डॉगी फेमस हो गया भाव। रुक जाइए, अभी मैं चेकअप करता हूँ। जरा चेकअप के लिए। अरे अरे अरे, यहाँ से आइए ना डॉक्टर साहब, एक बार ये ठीक हो जाए तो इसका भी चेकअप कर ले। लपड़ खींच के मारूंगा। देखिए, घबराने की बात नहीं है, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं मारते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। कोई बात नहीं, मैं अभी चेकअप करता, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, आ करो, आ आ आ करो, आ आ जीप निकालो, जीप जीप ऐसे निकालो। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि इसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसीलिए इसकी याददाश्त चली गई है। ठीक वैसे ही जैसे बीवी रूट के मायके चली जाती है और फिर वापस लौटने का नाम नहीं लेती, वैसे इस तरह के केस में एक दिन में, एक महीने में या फिर कभी भी नहीं लौटेगी याददाश्त, ये कहना मुश्किल है। डॉगी फेमस हो गया बाहू। डॉक्टर, क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई तो इलाज होगा इसका। देखिए, इलाज इलाज है या नहीं है ये तो तब पता चलेगा जब इसके सारे टेस्ट हो जाएंगे, और इसके सारे टेस्ट करेगा डॉक्टर मैं, यानी कि मैं। उसके बाद अगर भगवान ने चाहा तो ये ठीक भी हो जाएगा। डॉगी फेमस हो गया भाऊ। लपड़ खींच के मारूंगा। डरने की कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। टेस्ट जल्दी कराने पड़ेंगे। भूला। लपड़ खींच के मारूंगा। एक्सक्यूज मी ऑफिसर। वाओ। यस, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे, ये क्या कह रही है आप? मदद? मतलब ये वर्दी मैंने पहनी क्यों है? जनता की सेवा के लिए तो ये वर्दी पहनी है मैंने। आपकी मदद नहीं करूंगा तो किसकी मदद करूंगा? बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? Actually, मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। कभी कोई चीज खत्म नहीं होती, जब कोई चीज खत्म होती है तो एक नई चीज की शुरुआत होती है। लपड़ खींच के मारूंगा। क्या बदतमीजी है ये? ये पागल है, इसकी बात मत सुनिए। लपड़ खींच के मारूंगा। तो मुझे बाद में मिल, देखता हूँ तुझे। वैसे आपका पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन इंजन में अभी भी जान है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये इस बार सर चोटी को खुश करके रहूंगा। ठंडा है इस बार, ये बर्फ का खंजर इस हवलदार के सीने के आर पार करके रहूंगा। नेटवर्क में लोचा है, तुमने कभी सोचा? एम ले लूं। देखा आपने? अब आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, घबराइए मत, बैठिए बैठिए बैठिए। बस अब आप समझ लीजिए कि ये नाचीज ही आपका इंजन है। वैसे कहाँ तक जाना है आपको? ज्यादा दूर नहीं, बस 2 घंटे का रास्ता है। 2 घंटे? 2 घंटे। हाँ तो जाएंगे ना, जाएंगे। खींच के मारूंगा। नेटवर्क में लोचा है, तुमने कभी सोचा है? माफ कर दो सर, माफ कर दो सर, छोटी हमें, हमने 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 कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन वो बिल्लू नाम का लड़का धोखे से बच निकला। नेटवर्क में लोचा है, तुमने कभी सोचा? नहीं। समझ
समझ गया सर। सर छोटी मुझे एक मौका दे दो, वो बिल्लू नाम का लड़का मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। थैंक यू सर छोटी। अब आप देखना, वो बिल्लू नाम का लड़का किसी भी तरह मेरे चुंगल से बच नहीं पाएगा। नेटवर्क में लोचा है, तुमने कभी सोचा है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ गोप। हाँ, मिलूंगा ना। अरे जब तुम मुझे मिलोगी, मुझे मिलके पागल हो जाओगी। वेल, तुम हो मेरी करीना इज़दा, मैं हूँ सलमान जिसमें पड़ती है हसीना इज़दा। क्या मेरी उम्र? मैं 35 साल का हूँ, स्वीट 35। चल हट। तू सलमान है? हाँ मैं। 35 एज है थारी? हाँ मैं। अबे के करूं मैं के करूं थारा? एक वो बिल्लू, उसकी ना वापस आ रही अदास, और एक तू अपनी लपाड़ बंती से बाज ना आ रहा। कहाँ है? Well, who? टुन्नी गुल्ली लपिया कुकी इज़दा, मेरी बीवी कहती है वो है मुझसे दुखी इज़दा। हाय यार, आरती उतारनी चाहिए थारी बीवी की पेडेस्ट्रल पे बिठा के, उसको जो है पूजना चाहिए। थारे जैसे मिट्टी के ढेले को झेल रही। अबे कहाँ है गुलगुले बिल्लू? सेम सवाल। yes! मतलब जी मेरा भी यही सवाल है, आप ही ने तो उनको फोन करके बुलाया था ना बांदा रोड बस स्टैंड पे। के मैंने मैंने कब बुलाया उन्हें? Well, मेरे पास था एक फोन आया इसदा, जिस पे कहा गया था आपने उन दोनों को बुलाया इसदा। फोन आया था क्या? और उन लोगों को लगा होगा मैंने बुलाया, इसका मतलब बिल्लू की जान खतरे में। हाय, हाँ मॉम आ गई थी। हाँ हाँ ठीक है। लपड़ खींच के मारूंगा। नहीं नहीं आपको नहीं कह रहा है, आपको आपको नहीं, आप जाओ ना यार। अरे अपना काम करो जाओ। अरे तुम चाय पिलाओ ना यार, वरना ये तो चलता ही रहेगा। पिलाओ चाय। लपड़ खींच के मारूंगा। ऐसे ही कह रहा है, ऐसा कुछ करता नहीं है ये ऐसे ही कह रहा है। अरे चाय पिला दो, कोई बात नहीं, चाय तो पिला दो। क्या कर रहा है तू? लपड़ खींच के मारूंगा। मार दे यार, मार दे मार दे, कितनी बार बोलेगा। अब देखता हूं कि ये लड़का बचता कैसे है। नेटवर्क में लोचा है, तुमने कभी सोचा है? तो समझ में नहीं आ रहा मैडम ने यहाँ बुलाया क्यों है, चौकी में ही मिल लेते। अब लपड़ खींच के मारूंगा। मैडम भी पता नहीं कहां रह गई, बुला के बैठा दिया यहां पे। एक्सक्यूज मी, लड़का बड़ा मासूम है, इसको मैं फटते हुए नहीं देखूंगा, सिर्फ सुनूंगा। मेरी घड़ी इतनी पुरानी हो गई है क्या, इतना आवाज कर रही है? चप्पल खींच के मारूंगा। हाँ यार ठीक है, मार ना यार। मार 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 मुझे मार।
अब फटेगा। मैडम आपने यहाँ पर बुलाया क्यों है वैसे हमें? मतलब हम तो काफी देर से आप यो आवाज कहाँ से आ रही? टिक 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 टिक। ओ मैडम वो मेरी घड़ी लगता है कुछ खराब हो गया, बहुत आवाज कर रही है। चुप कर, हट। बॉम्ब बॉम्ब पर खींच के मारूंगा। बॉम्ब कैसे है? बॉम्ब किसी ने बिल्लू की जान लेने की कोशिश करी। लपड़ खींच के मारूंगा। अरे चले चल चल आजा। नेटवर्क में लोचा है, तुमने कभी सोचा है? मत मारी गई थी है? चार पैसे की अकल नहीं है, बिल्कुल अकल ना है। अरे इसे हो जाता अगर कुछ तो क्या जवाब देती मैं अपने आप को, क्या जवाब देती पुलिस डिपार्टमेंट को, और क्या जवाब देती मैं इसके इसके जीजा कमिश्नर साहब को जिन्होंने बैसी धनिया बो रखी इसके चक्कर में। ये लपड़ खींच के मारूंगा। मिस्टर चौटाला सर कुछ कुछ कीजिए, मिस्टर चौटाला कुछ कीजिए, बिल्लू को ठीक कर दीजिए, वरना मेरी बीवी जो इसकी दीदी है मायके गई हुई है, दो दिन के बाद वापस आने वाली है। अगर उसे पता चल गया कि उसके भाई के साथ ऐसा हुआ है तो वो मार मार के मेरी मतलब मेरा मतलब है कि मेरी क्या हालत करेगी आपको नहीं पता। स्वामी ओह स्वामी सर चल रहा है, सर इलाज चल रहा है, हम जो है खूब करवा रहे हैं बढ़िया वाले डॉक्टर से, और डॉक्टर इसकी टेस्ट करके गया है, उसकी रिपोर्ट लेके आता ही होगा किसी भी क्षण। आता होगा नहीं बल्कि आ गया, यानी कि मैं डॉक्टर मैं मध्य प्रदेश आ गया। डॉगी फेमस हो गया भाऊ, लपड़ खींच के मारूंगा। अरे नहीं सर, इस तरह के मरीज जो है सिर्फ बोलते मारते नहीं। अच्छा वेल डॉक्टर टेस्ट का क्या आया रिजल्ट इज द मेरी पड़ोसन ने की मेरी इंसल्ट इज द। हाँ डॉक्टर साहब आप हाथ में रिपोर्ट लाए तो जरा पढ़िए ना, पढ़िए रिपोर्ट और बताइए कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। बताइए कब हमारा बिल्लू एक बार फिर कहेगा कुछ हुआ था क्या, बताइए ना डॉक्टर साहब, बोलिए ना, पढ़िए बोलिए, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आप कुछ देख ही नहीं रहे, आप क्या देखिए ना। बोल सर। हाँ हाँ ठीक है बोल रहे हैं, बताइए ना कंडीशन क्या है इसकी। मैडम कंडीशन एयर कंडीशन है, डॉगी फेमस हो गया भाव। डॉगी तो फेमस हो गया, डॉक्टर सर्वासी होने वाला है बहुत जल्द अब। नहीं मैडम देखिए, मैंने इन टेस्ट को देखा और इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इस तरह के जो केस होते हैं ना उनके सामने अगर वही घटना जिस घटना को देख के वो सदमे में सदमदा गए होते हैं, वही घटना अगर एक बार फिर रिपीट की जाए यानी कि वैसा ही ड्रामा रचा जाए तो इस तरह के मरीज ठीक हो सकते हैं। बाकी डॉगी फेमस हो गया भाऊ। कुछ भी कीजिए कुछ भी कीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए, मेरे बिल्लू को ठीक कर दीजिए बस। ठीक है सर, बिल्लू ने जैसा डिस्क्रिप्शन मन ने दिया था, जो वारदात इसने देखी उसका नाट्य रूपांतर हम इसके सामने लाएंगे।
लड़की को मार दिया, लड़की को मार दिया। बिल्लू किसने मारा, किसको मारा, किसने मारा, किसको मारा बिल्लू? उसने उसने लड़की को मार दिया, लड़की को मार दिया। भोजपुरी फिल्मों के इन्होंने लड़की को मार दिया। हाँ, उसका नाम क्या है? नहीं, लड़की का नाम नहीं मालूम मुझे। अरे लड़की का नहीं, उस भोजपुरी हीरो का नाम क्या है? उसका नाम है खच्चर यादव। ओह माय गॉड, ये तो वही हीरो है जिसने फिल्म की थी नैन मटक्का। और अभी वो भोजपुरी फ्लॉप फिल्म आई थी, वो भी उसी की तो थी, वो कमर का छल्ला उछल गया लल्ला। डर मत, कुछ नहीं होगा, वो पकड़ा जाएगा बेटे, वो पकड़ा जाएगा। बस तुम ठीक हो गए ना? मुझे मुझे बेटे इस बात की खुशी है। अब कम से कम तुम्हारी दीदी मुझे मारेगी तो नहीं ना? डॉगी फेमस हो गया बाबू। मैडम मैडम गए, मैडम गए, मैडम। और मैडम मैडम मुझे सब कुछ याद आ गया मैडम। अरे मैंने सब सुन लिया है, पता लगाओ इस खच्चर यादव का। रेवड़ी रे गरम, रेवड़ी गरम, रेवड़ी रे। कुछ हुआ था क्या? अब याद आ गया। सर चोटी, अब आगे का प्लान है? गोली चली नथुनिया पे, हीरो छागा हुआ दुनिया पे। सर चोटी, इस बार हम उस लड़के को पक्का मार देंगे। नेटवर्क में लोचा है, तुमने कभी सोचा है? आप खुद जाके उस लड़के को मारेंगे? आप मतलब खच्चर यादव को मार देंगे? अरे का है सर छोटी, हमको माफ कर दीजिए, हमें कहाँ मारने जा रहे हैं? गोली चली नथुनिया पे, हीरो छागवा दुनिया पे, हमें माफ कर दीजिए। सर छोटी कह रहे हैं तेरा मरना ही ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नेटवर्क में लोचा, तुमने कभी सोचा है? ए सर चोटी, इतनी जल्दी के इसे मारने की? कुछ सवाल तो पूछ ले पहले पुलिस इससे। बता बिल्लू बता, यही है ना वो? हाँ यही था वो। नहीं नहीं, हमें को देखा ही नहीं, हम नहीं जानता, हमें माफ कर दे, हम कुछ नहीं ना किया हूँ। अबे चुप, वो छोरी जिसको तैने पहाड़ी से धक्का दिया था वो बच गई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, और होश में आते ही थारे खिलाफ गवाही भी दे देगी। इमन ने यो बताओ कि उस बेचारी छोरी से तुम्हारी दुश्मनी के है? ये सब मैं बताता हूँ। Oh my God! You the are the villain is the, कब होगा लप्पी से मेरा मिलन is the है? अबे यार सिचुएशन तो देख ले कुछ बोलने से पहले। भावे, क्या हुआ मैडम? झटका खा गई? ये सब मेरे ही आदमी है, मेरे कहने पर इन्होंने भतीजी को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा? पहले मैं तुम लोगों को मारूंगा, उसके बाद मैं अस्पताल में जाकर उसे मारूंगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले आप जरा ये तो बता दीजिए कि आप ये सब कर क्यों रहे हैं? मेरी सौतेली भतीजी 50 करोड़ की मालकिन है। मैंने 21 साल तक इंतजार किया कि वो कब 50 करोड़ की जायदाद की मालकिन बनती है। एक बार वो 21 की हो गई तो मैंने खच्चर यादव को उसके पीछे लगा दिया। हाँ, वो भोजपुरी फिल्मों की दीवानी और हम भोजपुरी फिल्मों का हीरो, तो हम तो उसको ऐसे ही पटा लिया। लेकिन अफसोस, उसे मेरी सारी प्लानिंग के बारे में पता चल गया, और यही बात वो खच्चर यादव को बताने के लिए उस रात को गई थी कि उसका अंकल, सौतेला अंकल, कितना बदमाश है। लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि खच्चर यादव मेरा ही आदमी है। उसने उसे खाई में धक्का दे दिया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओए मां,
ऐसा तमंचा है, बच्चों खेलने की चीज ना, प्रोफेशनल्स को हैंडल करने दो, समझे? इफ सब जाओगे जेल। बिल्लू चल धर ले सबने। अरे ओहो, लपड़ खींच के मारूंगा। कुछ हुआ था क्या? अरे सर, अरे मिस चौटाला आप कहाँ थी? हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। मिस चौटाला मेरे साथ थी। एक खुशखबरी है जो मुझे आप सबको सुनानी है। वेल, जल्दी दीजिए खुशखबरी। इज्दा हो रही है बहुत बेसब्री। इज्दा खुशखबरी यो है कि हमारा प्रमोशन हो गया। अरे वाह वाह वाह, कांग्रेचुलेशन। वाह, बात करी मिस चौटाला, आपका प्रमोशन हो गया, क्या बात है। वेरी गुड, थैंक यू सर। मैडम आज तो मैं ना हनुमान जी के मंदिर जाके 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हाँ लेकिन 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 क्या मैडम? एक खबर और है। क्या कि मेरा भी प्रमोशन हो गया है? चुप। वो खबर ये है कि मिस चौटाला का ट्रांसफर शोलापुर में हो गया। नहीं। लेकिन मैडम हम यहाँ पे आपके बिना कैसे रह पाएंगे? या मॉम, हम आपके बिना नहीं पाएंगे रहिस्ता, ये गम नहीं पाएंगे सहिस्ता। मैडम आप कह दीजिए आपको नहीं चाहिए कोई प्रमोशन। आप कहीं नहीं जाएंगे इस चौकी से। मिश्राला हमारा क्या होगा? अगर आप सोलापुर चलेगी तो हम भी ट्रांसफर लेके सोलापुर आ जाएंगे सर। हम भी चले जाएंगे सोलापुर, हमें नहीं रहना यहाँ पर। 7 साल मैंने इस चौकी पर राज किया है, रानी की तरह इस चौकी को चलाया है, ना सिर्फ देश की सेवा की है बल्कि तुम सब में अपना परिवार भी पाया, ना सिर्फ चोर उचक्कों क्रिमिनल्स को पकड़ा है बल्कि तुम सबके साथ बहुत सारे भेस बदले हैं, नाचा है गाया है और हर त्योहार मनाया है। जाने का मन तुम्हारा भी नहीं। तुम लोगों से अलग होना मतलब कुछ यूं है जैसे शरीर का आत्मा से अलग होना। पर इस देश में कई जगह ऐसी है जहां हमारी जरूरत है, पर तुम लोग ऐसी जो है बिल्कुल उतरी हुई सगले लेके क्यों खड़े हो? मैं कहीं भी जाऊं तुम लोगों से कभी अलग ना हो सके हूं। तुम सब मारा परिवार हो। और शोलापुर जाऊं चाहे कलकत्ता, तुम्हारे जैसे नमूने कहां मिलेंगे मन्ने पूरे देश में। गोपी जैसा कैरी ऑन, बिल्लू जैसा भुलक्कड़, शाबाश। हरे जैसा राइट हैंड जिसके दिमाग में हमारे आइडिया आते हो, कमिश्नर साहब जैसा गुरु, सर जैसा पार्टनर, कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग, ऐसी टीम, है ना? पर फिर भी जीवन आगे चलने का ही नाम है, इसलिए ये जरा स्माइल करो और खुशी खुशी मन में विदा करो। और जाने से पहले आप सभी से मारा वादा है कि यदि मारी शादी हुई और मारी बेटी हुई तो मैं उसे बड़ा करके
एक पुलिस अफसर बनाऊंगी जो देश की सेवा करे, मारी तरह निडर हो और इस ईमान चौकी को आके संभाले। और फिर अगर तुम्हारे बालक भी बड़े हुए हैं तो वो भी इसी चौकी को आके संभालेंगे, दैट आई विल मेक श्योर। इसलिए जरा मुंह ना लटकाओ और मन्ने एक आखिरी सलाम दो। Yeah!